जूनागढ़ और गिरनार की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। भाई बहनों का प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन 2022 सब आ गया है और हम सब उस दिन का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में रक्षाबंधन का त्यौहार 11 अगस्त को मनाया जाए या 12 अगस्त को मनाए, उसको लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई है। कई लोग कह रहे हैं कि 11 अगस्त को रक्षाबंधन होगी तो कई लोग कह रहे हैं 12 अगस्त को होगी, और आप यह सुन सुनकर काफी भ्रमित भी हो गए हैं। आपको खुद को नहीं पता कि रक्षाबंधन किस दिन पर मनाई जाए किस समय पर, तो 2 मिनट में ही आपकी समस्या और संशय का समाधान कर देता हूँ। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को ही मनाया जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 11 अगस्त 2022 और गुरुवार को ही मनाया जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि 11 अगस्त को ही पूर्णिमा का भाग विशेष अधिक फलप्रद रहने वाला है और जिनके मन में भद्रा को लेकर विचार चल रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि 11 अगस्त को तो भद्रा है, तो हम रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मना सकते हैं? उनको मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा अध्ययन कीजिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा है, स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले च धनागनम मृत्युलोक स्थिता भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। अर्थात जब भी भद्रा स्वर्गलोक पातालोक में निवास करती है तो वह शुभ फलदायी माना जाता है। 11 अगस्त को मकर राशि में चंद्र होने से भद्रा पातालोक में ही निवास करने वाली है, उनका अशुभ प्रभाव भी पृथ्वी पर नहीं रहेगा। इसलिए आप रक्षाबंधन का त्यौहार 11 अगस्त 2022 को ही मना सकते हैं। अब 11 अगस्त को किस समय पर राखी बांधी जानी चाहिए, उसका शुभ मुहूर्त विवरण आप स्क्रीन पर मैं दे रहा हूं, तो वहां पर आप देख लीजिए। अब स्पष्ट हो गया है, रक्षाबंधन 11 अगस्त को ही मनाई जाएगी, तो मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।